हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में से जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दैनिक जागरण का जो संपादकीय होता है या फिर जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय वो है राम मंदिर ट्रस्ट स्वीकार्यता एवं देश। जी हाँ दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि रामलला का जल्द ही भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा, तमाम तरह के जो साधु संत हैं उनके विचारों, उनके रख रखाव, उनकी जिम्मेदारी को लेकर किस प्रकार से लोगों के बीच में मतभेद हो रहा है, जिससे राज्य सरकारें परेशान हो गई हैं और तमाम तरह के फैसले भी दे रही हैं, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। ये लिखा है आपका, लिखा है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नए ट्रस्ट के गठन और उसके सदस्यों के चयन के साथ ही अब उसकी स्वीकार्यता को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। साधु संतों और संगठनों में इस बात को लेकर तो पहले से ही असंतोष जताया जा रहा है कि ट्रस्ट में अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्षरत रहे साधु संतों महंतों का प्रतिनिधित्व नहीं है, पर अब इस बात को लेकर भी आपत्ति उठी। इस ट्रस्ट का दफ्तर अयोध्या में होगा या दिल्ली में? तो दोस्तों कहने का मतलब है, इतने साल से ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में विचाराधीन था और ऐसे तमाम तरह के जो साधु संत थे जो इस केस की पैरवी कर रहे थे या फिर इस मुकदमे के लिए अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा दिए हैं, ऐसे में उनको पूरा भरोसा था कि जब मंदिर बनेगा तो उसके रख रखाव की जिम्मेदारी हमें दी जाएगी। पर दोस्तों किस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर कि एक तरह से जिनका कुछ भी योगदान नहीं है उनके हाथ में उनके रख रखाव की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिससे हम लोग बहुत ही दुखी हैं, हमारा हृदय आहत है। ठीक है, अब उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ये कहाँ से संचालित होगा। ये देखिए लिखा ना यहाँ पे, ये अयोध्या में इसका दफ्तर होगा या दिल्ली में? फिर ऐसे में यह सवाल फिर सिर उठा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उस पर अमल विवाद का वास्तविक हल निकालने में सफल रहा या नहीं। यह भी सवाल कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी जाने, जैसे मंदिर समर्थक रामलला का प्रकाट्य बताते हैं, से लेकर 1990 के कार सेवा आंदोलन और 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस तक के प्रकरण में धार्मिक अनियारतों से जुड़े थे, राजनीतिक आवश्यकता का परिणाम थे। जो भी हो, विवाद का समाधान आपसी सुलह समझौते पर आधारित होता तो कटुताएं भी घटती और उसकी स्वीकारता भी व्यापक और उत्साहित करने वाली होती। अब कोई से कानून की विसंगति कहे या बाध्यता कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी जाने की को अनुचित और उसके विध्वंस को अपराध करार देकर इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा की, लेकिन उसी का परिणाम है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रायोजित राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष संघ मंत्र नृत्य गोपाल दास और चंपत राय को नए ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जा सका। फिलहाल वे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का अभियुक्त हैं जिस पर अदालत का फैसला आना शेष है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दो नाम हैं, नृत्य गोपाल दास और चंपत राय, एक तरह से कह सकते हैं जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था तो ये अग्रणी भूमिका निभाए थे और जिसके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे भी लागू हुए चल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला भी शेष है, तो ऐसे में इन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से दाव पे लगा दिया एक मंदिर को लेकर। पर आज जब ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा था तो उन्हीं दो लोगों का नाम नहीं है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी इस मंदिर के लिए। थोड़ा पीछे लौट कर देखें तो विवाद को सुलह समझौते से निपटाने की कोशिश तो सन 1986 में सफल होते होते रह गई थी। 1983 से विश्व हिंदू परिषद के इस विवाद में शामिल और आंदोलित होने के तीन साल बाद तब मुस्लिम पक्ष इस बात पर सहमत हो गया था कि सन 1885 में हिंदू जिस स्थल को जन्मभूमि बताकर मुकदमा हार गए थे वहीं से मंदिर का निर्माण आरंभ हो और बाबरी मस्जिद को 11 फीट ऊंची दीवारों से घेर लिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में हुई बैठक में इसे स्वीकार भी किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दोनों मुखपत्रों पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर ने हिंदुओं की विजय कहकर इसका स्वागत किया था, लेकिन तत्कालीन संघ चालक भाऊ राव देवरस को यह समझौता रास नहीं आया था। तब उन्होंने विहिप नेताओं को उसका स्वागत करने के लिए भरपूर डांट
पिलाई थी। यह कहकर देश में 800 राम मंदिर है, इस समझौते से एक और बन जाएगा तो उनकी संख्या 801 हो जाएगी, लेकिन इसके बाद बनाने वाले पहचान की जरूरत नहीं रह जाएगी। हमने अपना आंदोलन इसके लिए ही नहीं, इस विवाद को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त कर दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए शुरू किया। इसलिए हमें सुलह के इस समझौते से हट जाना चाहिए। गौरतलब कि उनका यह दृष्टिकोण तब था जब राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य राम गोपाल दास को उक्त समझौते के आधार पर बनने वाले ट्रस्ट का भी अध्यक्ष स्वीकार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य मुख्तार अहमद किदवई उसके एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, लेकिन अंततः देवरश की डांट रंग लाई और विश्व हिंदू परिषद ने इस समझौते को नकार दिया। फिर उसका आंदोलन बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक जा पहुंचा। तो तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने अयोध्या विशेष क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम बनाया। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के सर्वधर्म संभाव पर आधारित समाधान के लिए इसके तहत अधिगृहित भूमि पर मंदिर मस्जिद के साथ वाचनालय पुस्तकालय संग्रहालय और जन सुविधाओं से जुड़े निर्माण की बात थी। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने इसे संविधान सम्मत भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसे अधिग्रहण कानून में विवाद से संबंधित मुकदमों की समाप्ति के प्रावधान को लेकर न्यायालय का तर्क था कि सरकार को भले ही मुकदमे समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन संबंधित पक्षों को न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि चूंकि वक्त प्रावधान में न्याय की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह असंवैधानिक है। उसकी इस व्यवस्था की परिणति विवाद के पुनर्जीवन के रूप में हुई, जो हाईकोर्ट के रास्ते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा, तो उसका फैसला भी उनके साधारण लोगों की समझ से परे रहा। उसने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने को अनुचित और मस्जिद के विध्वंस को आपराधिक बताया और यह भी कहा कि इस स्थल के उत्खनन से मिले सबूतों से मंदिर गिराकर मस्जिद का निर्माण साबित नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही राम जन्म के पक्ष में फैसला देकर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में महत्वपूर्ण भूमिका पर 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार ने यह भूमि लखनऊ रोड पर अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव में दी है। उस भूमि पर हरी भरी फसलें लहरा रही है और उस स्वामी किसानों का कहना कि उसे उनसे छीन जीवन के आधार से वंचित किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी बातें हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यदि याद रखिएगा थोड़ा सा सुनिए, जो राम जन्मभूमि पर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई खासकर मुसलमानों के लिए, चाहे वो अपनी मस्जिद बनाएं, चाहे किसी प्रकार का कुछ भी बनाएं जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है, तो दोस्तों ऐसे में मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ राज्य सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया, जहाँ पर खेती से संबंधित किसान खेती कर रहे थे उस ज़मीन को आपने सीया वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया। इससे क्या है दोस्तों, जो किसान है, जो मध्यम वर्गीय परिवार वो परेशान है कि हमसे एक बार भी इस चीज़ के बारे में पूछा तक नहीं गया, और जो उपयोगी भूमि है जहाँ पर फसलें लहरा रही हैं, जो अनाज युक्त भूमि है जहाँ पर हम तमाम तरह की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ऐसे में इस भूमि को, ऐसे चीज़ों को देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। तो जो किसान है वो भी पीड़ित है, तो ऐसे में जब हमें दिया गया है संविधान में अधिकार है, अपनी जीविका का अधिकार है, और सबसे बड़ी बात जो है, जो आपकी अचल संपत्ति है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही किसी को दे दे तो वहाँ पे कोर्ट करना चाहिए। अब बहरहाल अयोध्या विवाद समाप्त हो यह सभी की इच्छा है, लेकिन इससे जुड़ी राजनीति महत्वाकांक्षाएँ अभी भी इसमें सहयोगी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित 67.7 एकड़ अयोध्या विशेष क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम बनाने के केंद्र में कब्जे में आ गई थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब जो कह सकते हैं मतभेद होने वाला है राम मंदिर को लेकर, वो मतभेद होगा दोस्तों ट्रस्ट के माध्यम से, कि किस प्रकार से जिन लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय रामलला के अधिकारों की लड़ाई के लिए न्यौछावर कर दिए, किस प्रकार से बाहरी व्यक्तियों को, बाहरी साधु संतों को ट्रस्ट में शामिल कर लिया गया और एक तरह से पूरी तरह से उसे व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है, जो आने वाले समय में इसमें बताया गया है। तो ऐसे में अब की जो लड़ाई है दोस्तों, अब हिंदू समुदाय में ही होगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।